यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तो क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो? नहीं तो आज की वीडियो कुछ हटके होगी, कुछ अलग होगी, क्योंकि आज आपका भाई एक प्रोडक्ट रिव्यू करने लगा है जो बहुत देर से लोग पूछ रहे थे भाई इस प्रोडक्ट के बारे में कि भाई पेंसिल कलर कौन से यूज़ करते हो, बता दो हमें। अभी बताओ यार, तुम पेंसिल कलर कौन से यूज़ करते हो? नहीं, हमें जल्दी से बता दो। और रुको जरा, मैं एक ब्रांड के पेंसिल कलर्स 5-6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और वो पेंसिल कलर अभी तक मेरे पास हैं, लिटरली वो ख़त्म नहीं हुए। तो और वो पेंसिल कलर्स वन ऑफ द बेस्ट पेंसिल कलर्स हैं इन द मार्केट। चीप की मैं बात कर रहा हूँ, चीप मतलब सस्ता, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है। और वो पेंसिल कलर्स हैं फैब्रिक कैसल के क्लासिक कलर पेंसिल, फैब्रिक कैसल या कास्टल, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। यार ये पेंसिल कलर्स 12 के पैक में भी आते हैं, 24 कलर पेंसिल के पैक में भी आते हैं, 36 कलर पेंसिल के भी पैक में आते हैं, 48 के भी आते हैं, 64 के भी आते हैं और 120 भी के भी आते हैं। मेरे पास 36 कलर पेंसिल का है, जो कि है ये, जिसके साथ गोल्ड और सिल्वर साथ देते हैं कि ये एक यूनिक कलर है इसलिए देते हैं। बस ये 24 कलर्स के साथ आपको गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों ये पेंसिल बेस्ट हैं। तो सबसे पहले इसके हैं इको पेंसिल, मुझे नहीं पता क्या है, बस लिखा हुआ था तो दिखा दिया। हाँ भाई, इसके अंदर जो लेड डली हुई है ना, वो है SV लेड, वो जो टूटती नहीं है ना, सिक्का नहीं टूटता, उसे कहते हैं SV। कि इसके अंदर SV लेड डली हुई है तो इसका जो सिक्का है वो टूटता नहीं है। और जेन्युइन बात है यार, ये टूटता नहीं है सिक्का, इसको जितना भी दबा लो ये सिक्का नहीं टूटेगा। आपका हार्ट टूट जाएगा लेकिन ये सिक्का नहीं टूटेगा। मजाक कर रहा हूँ, इतना भी जोर ना लगा देना। और इनकी बेस्ट होने की एक वजह कि जो पेंसिल कलर्स होते हैं ना, नॉर्मल पेंसिल कलर्स, वो मिक्स नहीं होते, यानी कि वो ब्लेंड नहीं होते एक दूसरे पेंसिल कलर्स में। और एक वजह ये भी होती है कि पेपर अच्छा नहीं होता। आप 2 रुपये वाले पेपर में कलर पेंसिल ट्राई करोगे तो वो 2 रुपये वाला ही रिज़ल्ट देगा, लेकिन आप अगर 1000 रुपये वाले में करोगे तो वो 1000 रुपये वाला रिज़ल्ट देगा। तो सारी गलती पेंसिल कलर्स की नहीं होती, कुछ गलती पेपर की भी होती है और कुछ गलती आपके हाथ की भी होती है, क्योंकि आपके हाथ की प्रैक्टिस नहीं होती ड्राइंग वाली प्रैक्टिस। ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए महंगी सप्लाई लो, कि हज़ारों के, लाख, 10-20 हज़ार के कलर उठा ला, वो पॉलीक्रोमस फैब्रिक एसल या वो प्रिज्मा कलर के पॉलीक्रोमस मिलते हैं या उसके पेंसिल कलर्स में मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने महंगे कलर से बनाओ तो तब भी आपका अच्छा बनेगा। चीप कलर पेंसिल से या चीप पेंसिल से, चीप पेपर से भी अच्छी ड्राइंग बन सकती है। सिर्फ जो आपको चाहिए आपके हाथ की टेक्निक, आपकी प्रैक्टिस और पेशेंस। ड्राइंग में PP रूल हमेशा लागू होता है, वो क्या है, P मतलब पेशेंस और दूसरा P मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड पेशेंस रूल हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, हर जगह कामयाब होगे। इस पेंसिल कलर से मैंने बहुत से पोर्ट्रेट्स बनाए, अंदर ही रहा भाई तू तो। वो भाई पसीना देख रहे हैं आप, अपने मेहनत का पसीना सी क्या आपका भाई मेहनत कर रहा है गर्मी में बैठ के, और आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो यार, देखो। खैर, इससे मैंने अभी तक जितनी भी ड्राइंग्स बनाई है उन ड्राइंग्स ने मुझे रिज़ल्ट A1 दिया है, लेकिन मेरा पेपर भी अच्छा था। पेपर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल ड्राइंग करनी है या प्रोफेशनल, अगर आप एक नॉर्मल ड्राइंग से आगे, अगर आपकी एक ड्राइंग अच्छी है उसको आप परफेक्ट करना चाहते हो, तो तब ही अच्छे कलर्स लो और अच्छी स्केच बुक लो। मतलब कि तभी पैसा खर्च करो जब आपको लगे कि आप इस चीज़ में कुछ हो गए हो। जो मैंने अभी रिसेंटली ड्रा किया था, ये मार्गरेट रॉबी का, ये भी मैंने इन्हीं कलर पेंसिल से किया है, और आप ये देख सकते हैं कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई ये OP है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट रिजल्ट देता है। ये चुप करके ये जो होते हैं ना बाकी ब्रांड्स के पेंसिल्स कलर, जो वो गोल्ड फिश वगैरह हो गए या ओरो पेंसिल कलर्स आते हैं या जितने भी सस्ते में आते हैं 400-500 में, वो कलर पेंसिल ना लिया करो। उनमें थोड़े से पैसे डाल के ये कलर पेंसिल ले लो, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। बस चुभ करके मार्केट जाओ और ये कलर पेंसिल उठा लाओ बस, और किसी ब्रांड के पेंसिल कलर्स, चीप ब्रांड्स के पेंसिल कलर्स यूज़ ना करो। इनकी प्राइस की बात कर लें, जब मैंने लिया था, ये मेरे पास 3-4 सालों से है, तो जब मैंने लिया था ये तकरीबन थे 750 के, ये 36 क्लासिक कलर्स पेंसिल पैक वाला। तो अभी मैंने रिसेंटली ये पूछा था तो कुछ था 1000-1200 तक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि महंगाई होगी भाई, तब्दीली आ गई है तो महंगाई तो होनी है ना। तो
36 कलर आपको मिल जाएंगे 1000 या 800 में, कहीं सस्ते में मिल सकते हैं, कहीं महंगे में मिल सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू पेंसिल कलर्स का, मैं ये वाले पेंसिल कलर यूज़ करता हूँ, और आगे का पता नहीं, आगे हम लेंगे यार कोई अच्छे कलर, इससे भी अच्छे कलर्स लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। और बस यही था यार, सुकून मिल गया, आपको पता लग गया कि मैं कौन से कलर यूज़ करता हूँ। तो बस ये था आज का रिव्यू यार, प्रोडक्ट रिव्यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दो। शेयर हम मुझे पता नहीं करते, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो कर दो यार, तुम्हारा क्या जाता है यार, भाई इतना मेहनत कर रहा, पसीने निकाल रहा है, कर दो यार प्लीज़। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।